विभा किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे श्वेत कर्ण जो कि हेल्दी एंड टेस्टी है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। एक छोटा सा बॉल लेंगे, पांच बड़े चम्मच मैदा लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छे से हम मिलाएंगे। इसे अच्छे से घोल बनाना है। ज्यादा पतला नहीं करना है। और इसे से मिला लेना है। हम एक छोटे चम्मच दही डालेंगे ताकि हमारा बेटर है अच्छे से फूल जाए। अब हमारा जो बेटर है अच्छे से घुल चुका है, अच्छे से इसे चट लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, एक छोटे चम्मच गरम मसाला, एक छोटे चम्मच चाट मसाला, एक छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। अब इसे मैं साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमने तीन चम्मच मैदा लिया हुआ है और हमने ये श्वेत कर्ण लिया है। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम मिलाएंगे छोटी चम्मच, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, एक छोटी चम्मच चाट मसाला, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये बिल्कुल नई रेसिपी है, ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी है। आप इसे एक बार घर पर बनाकर जरूर खाइएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट से भरपूर है। हम अब थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। एक छोटी चम्मच हम इसमें दही मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। ज़्यादा गीला नहीं करना है हमें इसे। हमारा पैन एक बिल्कुल हीट हो चुका है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। एक कप हम तेल डालेंगे, सोयाबीन ऑयल है। अब एक एक करके इसमें पनीर को फ्राई करेंगे।
आपका पनीर फ्राई हो चुका है, अभी इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम स्वीट कॉर्न को भी इसी तरह फ्राई करना है, ऐसे करके, एक साथ नहीं बिल्कुल ऐसे लीजिए और थोड़े थोड़े करके इसको ऐसे ऐसे करके इसको फ्राई करना है। इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह रखना है। बिल्कुल इसी तरह से हमें हमने सारे स्वीट कॉर्न फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब इस तरह एक बड़े साइज का प्याज, एक छोटे साइज का टमाटर और एक हरी मिर्च कटी हुई, इन सारे चीजों को अब हम फ्राई करेंगे। हमारा पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम बड़े साइज का एक चम्मच सोयाबीन ऑयल डाल, थोड़ा सा और आधी छोटी चम्मच, ज्यादा नहीं डालना है फ्राई करने के लिए। हरी मिर्च प्याज शिमला मिर्च इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार, अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधी छोटी चम्मच, गरम मसाला डालेंगे आधी छोटी चम्मच, चाट मसाला डालेंगे आधी छोटी चम्मच। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, अब इसमें हम जो हमने फ्राई किया हुआ है स्वीट कॉर्न अब इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ पनीर डालेंगे, एक चम्मच नींबू का रस डालेंगे। अगर आपको नींबू का रस पसंद नहीं है मत डालिएगा, एक चम्मच इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। ज्यादा अब इसे भूनना नहीं है, अब इसे हम मिलाकर गैस को बंद कर देंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।